यम पूर्व विभाग वार्ड क्रमांक 141 के पूर्व नगर सेवक विठल लोकरे ने जनता को दिया धोखा। देखिए खबरें आज भी की रिपोर्ट। चुनाव में माजी नगर सेवक जो है उन्होंने ये चुनाव लोगों पे लादा है, मतलब उनके ऊपर ये इलेक्शन होना नहीं चाहिए था, उनको एमएलए बनना था, इसलिए चुनाव लोगों से साथ विश्वासघात किया। उन्होंने जो इलेक्शन लगा है उस पर लोगों का यही बोल कहना है कि इलेक्शन जो लड़े थे हमने उनको चुन के लाया था, उन्होंने ऐसा करना लोगों के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहिए था। अभी जो इलेक्शन लगा है भारतीय जनता पार्टी सब हमारे कार्यकर्ता मिलके ही चुनाव को विरोधी पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुन के आएगी भारी वोटों से और अच्छी तरह जीत के आएगी कि लोगों का विकास काम उनके लिए पानी की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, बच्चों लोग का स्कूल के बारे में कुछ हो या नशा मुक्ति इसमें के बारे में कोई सब हम इसमें काम करने वाले हैं। अभी जैसे उन्होंने आमदार की लालच में कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया और फिर शिवसेना में जाके आमदार के चुनाव लड़े हो उसमें हार भी गए, तो आगे क्या इस चुनाव में क्या उम्मीद दी रहेगी? अभी जो हमारे खड़े उम्मीदवार हमारे सामने उनको यही कहूंगा कि लोगों का फंसाना इतना आसान नहीं रहता है। आने वाले वक्त में 9 जनवरी को लोग बता देंगे कि लाइन में खड़े होने का दोबारा खड़े होने के लिए उन्हें लगा है, उनको इसका लोगों को ये बता देंगे उनको कि ये बार चुन के हम किसको लाना है ये लोग तय करेंगे। लेकिन इसमें अभी 18 उम्मीदवार है तो आप किस तरह के दावा करते हैं आप जीतने की? 18 हमारा काम अच्छा है इसलिए हम दावा करते हैं। सर जैसे कि जो अभी NRC और CAB के बिल को लेकर पूरे देश में एक विरोध बीजेपी के खिलाफ है, पूरे लोग बीजेपी से नहीं नहीं कोई विरोध में नहीं है, हम उनके लोगों को समझा रहे सब भाईचारे से हम चल रहे हैं, लोग हमारे भी सब साथ में है, सब समाज के लोग साथ में है, हम मुझे अच्छी तरह उनको समझा के शांति और अमन चाहते हैं, हमको भी सब लोग साथ में चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सब साथ में है। सर इस वार्ड में आपकी लड़ाई किस उम्मीदवार से? मैं किसी उम्मीदवार के चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं मेरे काम पे और मैं खुद पे भरोसा रखता हूँ कि हम जीतेंगे, लोगों के सुविधा के लिए लोगों के काम के लिए हम जीतने वाले, किसी को चैलेंज करके हमें जीतना नहीं। शिवसेना की तरफ से